हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजी के ट्रिक में। फ्रेंड्स, राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। कल 18 तारीख को राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती कराई गई अधीनस्थ बॉडी के द्वारा कल दो नोटिस जारी किए गए थे, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एक आपका नोटिस जारी किया गया था वन रक्षक का अतिरिक्त परिणाम जारी किया गया है। उसमें रोल नंबर बताए गए, जिसके भी रोल नंबर आए हैं उनकी डीवी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और वो डीवी के लिए तैयार हो जाओ। अतिरिक्त परिणाम के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ बात आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 80 58 85 13 75, जो भी शामिल होना चाहता है जरूर शामिल हो सकता है। उस पर आपको फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अतिरिक्त परिणाम जारी हुआ है, कितनी सीटों पर हुआ है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या क्या उसमें डिटेल बताई गई है, सभी हम चलेंगे और नोटिस देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड का। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जारी किया गया था, कल जारी किया गया था अधीनस्थ बॉडी के द्वारा 18/7/2024 को ये जारी हुआ था और इसमें बताया गया है कि पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और कौन कौन उसमें पास हुआ है उसकी हम आज लिस्ट देखेंगे और वो लिस्ट अपलोड की गई है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। वन विभाग, एक बार सभी पर हम डिटेल से बात कर लेते हैं क्या क्या इसमें रहने वाली है प्रोसेज। वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2167 और अनुसूचित क्षेत्र के 779 कुल 2646 पद हेतु शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा परिणाम 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जाँच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु परीक्षा परिणाम दिनांक 18/9/2023, 15/3/2024 एवं 31/5/2024 को जारी किया गया था। इस क्रम में विभाग द्वारा शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परिणाम में पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की संशोधित सूची बोर्ड को भिजवाई गई है। उक्त सूची में शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की वरीयता के आधार पर दिनांक 31/5/2024 को जारी परिणाम की निरंतरता पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। ये सूचियां पूर्णतः अस्थायी है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार, चलो ये छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं इसमें क्या है इन्फॉर्मेशन। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस प्रकार से है। आप देख लीजिए, जिसका भी रोल नंबर इसमें शामिल है वो उनको पास कर दिया गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के रोल नंबर है ये, और जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अब, तो ये आपकी सूची अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की गई है और ये अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। अतिरिक्त परिणाम घोषित किया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा और दिनांक 31/5/2024 को जब परिणाम जारी किया गया था उस परीक्षा परिणाम एवं कट ऑफ मार्क्स पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। नवीन एवं जानकारी के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये अभ्यर्थी पास किए गए हैं और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट जारी हो चुकी है, उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है और उसमें सेशन दिया गया है 26/27/28/29 और जो जिस टीम के सामने आपके रोल नंबर दिए गए हैं वो वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाएगा, जयपुर में करवाएगा। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स।